तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए, वैष्णव धनुष और जिनके बाण कभी समाप्त ना हो ऐसे तुणीर। अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहां की रानी हैं, तो आइए मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, चले जाओ। तू मूर्ख है राम, अब तू मेरा दास बनेगा। दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा भाग जा। अब तू किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। रावण की बहन दुष्टों, उसको दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा।